हेलो दोस्तों, MDYPG कॉलेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बॉटनी का फर्स्ट पेपर जो है BSc सेकेंड ईयर में, उसका लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में है फैमिली ब्रैसिकेसी। तो कहने का मतलब आज हम फैमिली ब्रैसिकेसी के बारे में बताएंगे। और ये जो फैमिली ब्रैसिकेसी है, इसका दूसरा नाम क्रूसीफेरी भी है। ये फैमिली आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, निश्चित पढ़े हैं। चलिए देखते हैं। तो इस फैमिली के आपको दो कैरेक्टर पढ़ने हैं। कोई भी फैमिली हो, उसके दो कैरेक्टर पढ़ने ही होते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर और फ्लोरल कैरेक्टर। और फ्लोरल कैरेक्टर का मतलब उसका रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। तो देखिए, जो सबसे पहले इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर है, उसमें हम आपको बता दें इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। यानी कि ये फैमिली जो है, इसका कैंडिडेट, इसके कैंडिडेट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कितने इसके जनरा पूरे वर्ल्ड लेवल पे हैं, कितने स्पेसीज हैं, कितने जनरा इंडिया लेवल पर हैं और इंडिया लेवल पर कितनी इसकी स्पेसीज पाई जाती है। तो ये सारी बातें हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन में बता रहे हैं। तो देखिए, जो क्रूसीफेरी फैमिली है यानी ब्रैसिकेसी, इसमें कुल 375 जनरा पाए जाते हैं पूरे विश्व भर में। और इसकी जो स्पेसीज है वो 3200 स्पेसीज पाई जाती है पूरे विश्व भर में। इसके कैंडिडेट्स पाए जाते हैं फैमिली ब्रैसिकेसी के। ये तो पूरे विश्व का एक पैमाना था। और इसके बाद फिर देखिए, भारत में यानी कि इंडिया में इसके 51 जनरा पाए जाते हैं और 138 स्पेसीज पाई जाती हैं। और इंडिया में यह मुख्यतः हिमालयाज रीजन यानी कि अल्पाइन क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब, इसके जो जनरा है वो 375 पूरे विश्व भर में और 51 जो है इंडिया में पाए जाते हैं। इसके बाद फिर आइए देखिए, जो सेकंड इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो क्या है, हैबिट। यानी कि इसके जो पौधे होते हैं उनकी हैबिट क्या है। तो हैबिट में देखिए, पहला क्या है, हर्बेसियस, यानी कि द प्लांट आर मोस्टली हर्बेसियस, सम आर श्रबी। दैट मीन्स ऑल प्लांट ऑलमोस्ट हर्ब लाइक, दैट मीन्स हर्बेसियस बट सम आर श्रब लाइक। श्रब मीन्स सम डेवलप टाइप ऑफ प्लांट टू द हर्ब प्लांट। और फिर इसके बाद देखिए क्या है, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल, यानी कि इसके पौधे जो उगते हैं वो, कोई कोई पौधा ऐसा भी होता है जिनकी लाइफ साइकिल एक सीजन में ख़त्म हो जाती है, कुछ पौधे ऐसे हैं जिसकी लाइफ साइकिल दो सीजन में, और कुछ ऐसे भी पौधे हैं यानी कि उनकी लाइफ साइकिल तीन सीजन या कई सीजन में ख़त्म होती है। तो कहने का मतलब ये है कि द प्लांट आर एनुअल, सम आर बाइनियल एंड सम आर आल्सो पेरिनियल। दैट मीन्स द लाइफ साइकिल आर कम्प्लीटेड, सम प्लांट हैज ओनली वन सीजन, सम प्लांट हैज टू सीजन एंड सम अदर प्लांट दैट कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल मेनी सीजन्स। इसके बाद फिर देखिए क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टर जो इसका है वेजिटेटिव कैरेक्टर, वो है रूट के लिए। तो रूट के लिए देखिए क्या है, इन द फैमिली क्रूसीफेरी almost all plant has tap root or fronds. Tap root means the roots are mostly two types, that is tap root and adventitious root. This type of root, look the blackboard, this type of root is the tap root and it is also may be branched, and some root are this type, this is adventitious type of root. But in the case of family brassicaceae, mostly tap root are found and this root are branched. Matlab jo family क्रूसीफेरी है उसकी जो रूट होती है वो टैप रूट होती है और ब्रांच्ड होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर है स्टेम का। तो जो स्टेम होता है वो हर्बेसियस है, इट मींस स्टेम्स आर हर्बेसियस एंड ब्रांच्ड, हर्बेसियस एंड ब्रांच्ड, सॉलिड। सॉलिड मींस इन द प्लांट इंटरनल साइड नो स्पेस आर फाउंड, दैट मीन्स स्पेस नहीं पाया जाता है, सॉलिड होता है, खोखला नहीं होता है। हेरी, हेरी मीन्स ऑन द अपर साइड ऑफ स्टेम
सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर फाउंड, इट मीन्स हेयरी एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब इसके स्टेम सीधे खड़े होते हैं। फिर इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट कैरेक्टर है लीफ। तो देखिए लीफ के केस में क्या कैरेक्टर है, यानी कि फैमिली ब्रेसी कैसी या क्रूसीफेरी की लीफ कैसी है। तो देखिए स्टिपुलेटेड, दैट मीन्स स्टिप्यूल्स आर अब्सेंट। व्हेन स्टिप्यूल्स आर प्रेजेंट देन स्टिपुलेटेड एंड नॉट प्रेजेंट देन एक्सटिपुलेटेड। नेक्स्ट क्या है, सिंपल, द लीव्स आर सिंपल नॉट कंपाउंड। टू टाइप ऑफ लीव, सिंपल एंड कंपाउंड, बट इन द केस ऑफ फैमिली ब्रैसिकेसी सिंपल लीव्स आर फाउंड। नेक्स्ट कैरेक्टर है अल्टरनेट। अल्टरनेट मीन्स होता है जैसे ये स्टेम है तो ये किसकी लीफ इधर निकली तो दूसरी इधर, फिर तीसरी लीफ इधर और ऐसे चौथी लीफ इधर। तो ये क्या है, अल्टरनेट। एक देखिए दोनों के बीच में एक जगह है तो अल्टरनेट टाइप की लीफ पाई जाती है। और फिर इसके बाद देखिए क्या है, रेयरली अपोजिट। किसी किसी प्लांट में लीफ जो है वह अपोजिट भी होती है। अपोजिट का मतलब देखिए क्या है, ये मान लीजिए कोई स्टेम है और स्टेम में एक लीफ देखिए यहाँ निकली तो दूसरी लीफ यहाँ से नहीं बल्कि यहीं से निकलेगी। तो ये क्या है, अपोजिट। तो ये अपोजिट टाइप की लीफ है। इसके बाद फिर देखिए क्या है, लेकिन ये कंडीशन कभी कभी पाई जाती है। तो ये था वेजिटेटिव कैरेक्टर। अब चलिए हम आपको बता दें फ्लोरल कैरेक्टर क्या क्या है। मैंने बताया था कि वेजिटेटिव कैरेक्टर के बाद आपको फ्लोरल कैरेक्टर भी पढ़ना है। तो दोस्तों फ्लोरल कैरेक्टर में देखिए क्या है, सबसे पहली जो हेडिंग है इसमें वो है इनफ्लोरिसेंस, यानी कि इसका पुष्प क्रम क्या होता है। तो दोस्तों इनफ्लोरिसेंस इसका जो है एकदम सिंपल टाइप का होता है। सम ब्रांच्ड, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर वो ब्रांच्ड होता है। इसके बाद क्या है, रेसिम या कोरिम टाइप का भी इनफ्लोरिसेंस पाया जाता है। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे आपको मिलेगा कोरिम टाइप का इन्फ्लोरिसेंस, तो वहाँ पर मैं बताऊँगा या आप अगर पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे। फिर इसके बाद देखिए क्या है, फ्लावर, यानी कि इसके फ्लावर कैसे होते हैं। तो दोस्तों इसका फ्लावर जो है कंप्लीट फ्लावर मीन्स ऑल द पार्ट ऑफ फ्लावर नेसेसरी आर ए नेसेसरी आर फाउंड, दैट मीन्स कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। फोर मेन पार्ट ऑफ फ्लावर्स आर फाउंड इन द कम्प्लीट फ्लावर। नेक्स्ट हर्माफ्रोडाइट, इन द हर्माफ्रोडाइट इन वन फ्लावर हैज मेल एंड फीमेल बोथ पार्ट्स आर फाउंड, दैट मीन्स एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर फाउंड इन सेम प्लांट, दैट मीन्स हर्माफ्रोडाइट। इट इज ऑल्सो नोन एज बाई सेक्सुअल। नेक्स्ट क्या है, एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक जो होता है उसका मतलब होता है कि आप किसी भी जगह से अगर आप फ्लावर को चाहेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकेंगे। सम आर जाइगोमार्फिक एंड टेट्रामेरस। टेट्रामेरस का मतलब कि जो है इस तरह से इसका फ्लावर पाया जाता है। फिर इसके बाद देखिए क्या है, फ्लावर में जो फोर पार्ट होते हैं उसमें पहला क्या है, कैलिक्स। तो कैलिक्स देखिए फोर होता है, इसमें चार कैलिक्स पाए जाते हैं। आप सरसों का पौधा देखे होंगे, नीचे ग्रीन कलर के चार कैलिक्स पाए जाएंगे उसके फ्लावर में, और चारों जो है वो फ्री होते हैं, किसी से ज्वाइंट नहीं होते हैं। और फिर देखिए क्या है, टू आउटर सेपल्स लार्ज, बाहर के जो दो सेपल्स होते हैं, सेपल मीन्स द यूनिट ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल्स। तो जो आउटर टू सेपल्स होते हैं, जो बाहर के दो सेपल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, एंड टू इनर नैरो, अंदर के जो दो सेपल्स होते हैं वो पतले पतले होते हैं बाहर की अपेक्षा। फिर एक नेक्स्ट कैरेक्टर इसका क्या है, करोला। तो फ्लावर में जो फोर पार्ट होते हैं उसमें आपने एक देखा सबसे बाहर का कैलिक्स, उसके अंदर करोला है जिसे आप दल बोलते हैं। करोला को दलपुंज बोलते हैं और पेटल को दल बोलते हैं। तो जो
कोरोला है ये भी फोर होते हैं कैलिक्स की तरह से, और इनकी यूनिट को पेटल बोलते हैं। द यूनिट ऑफ कोरोला इज पेटल। और क्रॉस वाइज लगे होते हैं, यानी कि आप देखे होंगे क्रॉस वाइज, यानी इस तरह से एक फ्लावर की पंखुड़ी यहाँ, तो एक यहाँ, फिर एक यहाँ और एक यहाँ, तो क्रॉस वाइज जो है इसके कोरोला लगे होते हैं। फिर इसके बाद देखिए क्या है, एस्टिवेशन जो इसका होता है वह इम्ब्रिकेट टाइप का होता है। तो दोस्तों ये है अब तक के फ्लोरल कैरेक्टर, कुछ और इसके फ्लोरल कैरेक्टर हैं जो आगे हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट जो इसका फ्लोरल कैरेक्टर है वो है एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम जो इसका होता है वो कंसिस्ट सिक्स स्टैमिन, यानी कि जो इसका एंड्रोसियम होता है वो छः स्टैमिन से बना होता है, यानी कि कंसिस्ट ऑफ सिक्स स्टैमिन, इनर लार्ज, अंदर के जो फोर होते हैं वो लार्ज होते हैं, यानी कि इनर फोर लार्ज, अंदर के जो चार होते हैं वो लंबे होते हैं, टू आउटर शार्ट, बाहर के जो दो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। यानी कि इस तरह से देखिए, अगर ये मान लीजिए गाइनोसियम है तो अंदर के जो चार स्टैमिन इस तरह से होते हैं, ये लार्ज होते हैं, और बाहर के दो जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। तो यही है सिक्स बना, देखिए तीन इधर और तीन इधर, तो सिक्स स्टैमिन से बना होता है इसका एंड्रोसियम। जो अंदर के चार देखिए हैं वो बड़े बड़े हैं, और बाहर के दो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। इसके बाद फिर देखिए क्या है गाइनोसियम, यानी कि इसका नेक्स्ट कैरेक्टर है जो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, वो देखिए क्या है गाइनोसियम जो है वाई कार्पेलरी, यानी कि दो कार्पेल होते हैं इसके अंदर, तो वाई कार्पेलरी, सिंग कार्पस, दोनों जो कार्पेल होते हैं वो सटे सटे होते हैं, पास पास होते हैं, यानी कि एक में जुड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं सिंग कार्पस। और ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है, यानी कि सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी का मतलब कि ऑल पार्ट ऑफ फ्लावर जस्ट बिलो द ओवरी, ओवरी के नीचे से होते हैं, निकले होते हैं। जैसे देखिए ये एंड्रोसियम ओवरी के नीचे से है, अब इसके बाद जो है कोरोला ये भी नीचे से रहेगा, फिर कैलिक्स भी नीचे से रहेगा, तो सबसे ऊपर क्या है ओवरी है, तो ओवरी सुपीरियर हो गई। अब नेक्स्ट इसका जो है देखते हैं कि इसमें पॉलिनेशन कैसे होता है। तो दोस्तों पॉलिनेशन इसमें दो तरह से होता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाता है, और यानी कि मेल फीमेल फ्लोरल पार्ट जो है वो साथ होते हैं, पास पास होते हैं, तो कभी कभी इसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाता है, और कभी कभी इंसेक्ट पॉलिनेशन भी होता है। अगर केवल इंसेक्ट पॉलिनेशन होता तो बहुत सारे फ्लावर में पॉलिनेशन नहीं हो पाता, क्योंकि जितने इसके पौधे होते हैं उतने इंसेक्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण इसकी हेडिंग है फ्लोरल फार्मूला, ये तो आपको ज़रूर याद होना चाहिए, अगर ये याद है तो आप फैमिली वेरेसिकेसी या कोई भी फैमिली हो उसका अगर आपको फ्लोरल फार्मूला याद है तो आप मैक्सिमम कैरेक्टर उसका फ्लोरल फार्मूला देख करके लिख सकते हैं। तो देखिए इसका मतलब है इम्ब्रैक्टिएट, और इब्रैक्टिएट का मतलब कि ब्रैक्ट अब्सेंट रहेगा, और फिर देखिए एक्टिनोमार्फिक यानी पौधे में सिमेट्री पाई जाती है, और बाईसेक्सुअल का ये देखिए फार्मूला है, इसका मतलब कि इसमें मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं, यानी मेल फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में होता है। और फिर देखिए ये कैलिक्स है, कैलिक्स को आप के से दिखाइएगा, करोला को सी से, जबकि लिखने में दोनों में पहले सी ही रहता है। तो कैलिक्स जो है वो 2+2 के मैनर में होते हैं, यानी कि बाहर के दो थोड़ा सा ज़्यादा चौड़े होते हैं और अंदर के दो थोड़ा सा पतले होते हैं, तो इसलिए 2+2 लिखेगा, 4 ना लिखेगा, क्योंकि दो वर्ल में पाए जाते हैं। फिर आगे देखिए जो इसका कोरोला होता है वो 4 एक ही तरह से लगभग होते हैं सभी कोरोला। इसके बाद देखिए एंड्रोसियम 2+4 यहाँ पर आप देख रहे हैं, बाहर की जो दो छोटे छोटे हैं इनके लिए 2 कहा गया है, और अंदर की जो बड़े बड़े चार हैं इनके लिए 4 कहा गया है, तो एंड्रोसियम 2+4। और देखिए किसी को ब्रेकेट में नहीं किया गया है, ये देखिए ब्रेकेट में नहीं है, अगर ब्रेकेट में होता तो सभी जुड़े होते हैं, ब्रेकेट में नहीं है तो सभी क्या है फ्री हैं, तो
कोरोला क्या होते हैं 4 ये भी फ्री, और इंड्रूसियम 2+4 ये भी फ्री होते हैं। देखिए गाइनोसियम की बात आगे ब्रेकेट में किया गया है, अभी यहाँ पर आपने लिखा था सिंकार्पस। सिंकार्पस का मतलब जो कार्पेल होते हैं वो सटे होते हैं, तो इसलिए इसको किस में कर दिया गया है, ब्रेकेट में। और फिर आपने देखा था ओवरी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर का मतलब अभी हमने बताया है कि सारे फ्लोरल पार्ट नीचे से और जो ओवरी है वो सबसे ऊपर रहेगी, तो ओवरी सुपीरियर होने के नाते हम नीचे से ये लाइन खींच दिए हैं, ऐसे ही इसको बनाया जाता है। तो दोस्तों मेरी समझ से आपको फैमिली क्रूसीफेरी या ब्रेसी कैसे आपको ज़रूर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।